नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पंचायत कृषि भवन का किया उद्घाटन, कहा किसानों की समस्या जल्द होगी दूर। दर्जनों की संख्या में बौद्ध भिक्षु पहुंचे विक्रमशिला महाविहार, इतिहासकार ने जिला प्रशासन से सुविधा बढ़ाने की मांग। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की हुई बैठक, विश्वविद्यालय के विकास और एकलव्य प्रतियोगिता पर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस पर वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन, डीएम ने वृद्धजनों के बीच बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कही बात। और कहलगांव के बुद्धूचक में चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल मुकाबला, मॉल टोला की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित संयुक्त कृषि भवन में सोमवार को सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पंचायत कृषि कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि 242 पंचायतों के किसानों की समस्या को देखते हुए कृषि पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण सही तरीके से किसानों की फसल तैयार नहीं हो पाती है। उन्होंने वैज्ञानिकों को किसानों के साथ मिलकर फसल में लगने वाले रोगों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान समृद्ध हो, इसको लेकर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नहर, कुएं एवं विभिन्न जल स्रोतों को जीवित किया जा रहा है, जिससे कि किसान समय पर सिंचाई कर सकेंगे। मौके पर जीप अध्यक्ष टुनटुन शाह, उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, अभय वर्मन, कृषि पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं काफ़ी संख्या में किसान मौजूद थे। किसानों के मतलब अनुरोध पर जाकर के हमने विचार किया जाकर के, और बिहार में हमने सभी पंचायतों में 8,400 पंचायतों में कृषि कार्यालय का शुभारंभ किया है। तो भागलपुर 200 कितना है, 242 पंचायत, 242 पंचायतों में कृषि पंचायत कार्यालय हमारा काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में किसानों को काफ़ी मतलब जाकर के सुविधा जाकर। दूसरी हमारी योजना है सॉइल कंजर्वेशन का, जाकर इस तरह मौसम बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर बारिश का न होना, कम बारिश का होना चिंता का विषय जाकर के है। उसको लेकर के हम लोग जल जीवन हरियाली योजना लिया है जाकर के, ताकि आने वाले समय में वर्षा जल को संचय करना जो सरकार की प्राथमिकता है, कृषि के क्षेत्र में काम आएगा जाकर के। कहलगांव स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला महाविहार में रविवार को दर्जनों की संख्या में बौद्ध भिक्षु पहुँचे। बौद्ध भिक्षु बौद्ध लामा धर्मशाला से सीधे विक्रमशिला आए और यहाँ की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखा। इस दौरान बौद्ध लामा से आए भक्तों ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की तथा मनोविनोद भी किया। एक तरफ गणतंत्र दिवस पर विक्रमशिला महाविहार परिसर बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी से गुलजार था, तो दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु व्यवस्था से नाखुश दिखे। वहीं भागलपुर एसएम कॉलेज के इतिहास विभाग के शिक्षक इतिहासकार डॉक्टर रमन सिन्हा ने कहा कि विक्रमशिला देखकर बौद्ध भिक्षु काफ़ी प्रसन्न हुए। हाँ, कल 26 जनवरी 2020 को लगभग 70 बौद्ध भिक्षु, जिसको लामा बोला जाता है, वो लोग विक्रमशिला महाविहार आए थे। चूँकि तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अतीश दीपंकर का जन्मस्थान विक्रमशिला महाविहार के निकट ही है और ये प्रचारित हो रहा है, इन लोगों में उत्सुकता जग रही कि विक्रमशिला है क्या। अब तक लोग विक्रमशिला को नज़रअंदाज कर रहे हैं, दूर दराज में इसका प्रचार नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। तो वो लोग वो देखकर बहुत प्रफुल्लित हुए कि हमारे अतीश दीपंकर, जो सेकेंड बुद्धा के नाम से भारत से बाहर तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में जाने जाते हैं और उन्हीं के सिद्धांत का वो लोग पालन भी करते हैं, उनके उपदेशों का आचरण भी करते हैं, इसलिए वो बौद्ध लामा लोग कल विक्रमशिला महाविहार का दर्शन किए। संदेश तो अच्छा देके गए, लेकिन सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर व्यंग करके गए कि साधन और संसाधन का अभाव। उन्होंने ये भी कहा कि संभवतः यहाँ बौद्ध लामाओं का एक संगम होगा, चूँकि ये लोग धर्मशाला से, जहाँ दलाई लामा का आवास है, वहाँ से गाइड होते हैं। और पिछले बार बौद्ध गया से भी बौद्ध भिक्षुक आए थे मार्च में, 2019 के मार्च में, तो ये प्रचारित हो रहा है, इसलिए विक्रमशिला का फिर से पुनरुद्धार होगा।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सोमवार को सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने की। इस दौरान सिंडिकेट सदस्यों ने कई ऐसे मामले उठाए जो विवादों के घेरे में है। वहीं पिछले दिनों सिंडिकेट की बैठक में आए प्रस्तावों की संपुष्टि की, साथ ही विश्वविद्यालय के विकास पर चर्चा हुई। बैठक में सभी कॉलेज में बने अर्धनिर्मित भवन के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश कुलपति ने दिया। एकलव प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों ने सभी से सहयोग की अपील की। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, प्रॉक्टर विलक्षण रविदास, डॉक्टर गुरुदेव पोदार, हरपाल कौर, विजयमल प्रसाद, PRO SD झा समेत सिंडिकेट सदस्य और अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर सरमसपुर स्थित सहारा वृद्धाश्रम में रविवार को वृद्धजनों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की और दवा का वितरण किया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार, सहायक जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी सहित समाजसेवी अमिता कौशिक वृद्धाश्रम पहुंचे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुजुर्गों से बात करते हुए कहा कि वृद्धाश्रम में जल्द ही कई सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाएगा। DM ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वृद्धजनों के साथ सुख दुख बांटना एक पावन कर्तव्य है। कार्यक्रम का संचालन समाज सेविका अमिता कौशिक ने की। इस दौरान अमिता ने कहा कि वृद्धाश्रम आकर अपनों का एहसास होता है। मौके पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य मौजूद थे। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सहारा वृद्धाश्रम में हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ के वृद्ध लोगों से बात की गई और बिहार सरकार द्वारा संचालित इस वृद्धाश्रम में 40 के आसपास अंतर्वासी रह रहे हैं, तो इनकी समस्याओं को सुना गया और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन लोगों से मिलने का मौका मिला। ये काफ़ी बेहतर है, इसकी और समीक्षा करके इन लोगों को और जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती है देने का प्रयास करेंगे और रेगुलर इंटरवल पर चिकित्सा कैंप संचालित हो जाएंगे ताकि 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को कहलगांव अनुमंडल के बुद्धूचक उच्च विद्यालय मैदान में बुद्धूचक क्रिकेट चैलेंज कप प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मॉलटोला व महाकाल बरोहिया के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी महाकाल बरोहिया की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 171 रन बनाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मॉलटोला की टीम ने 19 ओवर में जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमाया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार महाकाल टीम के सुबोध को मिला। वहीं निर्णायक की भूमिका में कमल किशोर पासवान एवं पिंकू कुमार ने निभाई, जबकि कमेंट्री की भूमिका में गोपाल झा, निखिल रंजन कुमार व पवन कुमार थे। सिल्क TV द्वारा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि विजेता टीम को सांसद अजय मंडल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इससे पूर्व मैच का उद्घाटन किशनदासपुर पंचायत की मुखिया अनिता देवी, मुखिया संजय कुमार, मुखिया अशफाक आलम एवं थानाध्यक्ष विशेष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंग का पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क TV। भागलपुर TNV लॉ कॉलेज में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, इसको लेकर छात्रों ने पिछले दिनों प्राचार्य डॉक्टर संजीव सिंह को आवेदन दिया। आवेदन प्राप्त होते ही प्राचार्य का मिजाज बदल गया और प्राचार्य ने छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया।
सोमवार को लॉ कॉलेज की छात्रा कोमल कुमारी ने प्राचार्य के खिलाफ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके राय से लिखित शिकायत की और प्राचार्य डॉक्टर संजीव सिंह पर कार्रवाई की मांग की। हम लोगों की समस्या सिर्फ इतनी थी कि गर्ल्स कॉमन रूम और बॉयज के लिए जो पीने का पानी लगाया गया है वहाँ के आसपास गंदगी फैली हुई थी। गर्ल्स कॉमन रूम में के बाथरूम में लाइट्स नहीं थी, वहाँ जो कैंट लगा हुआ है उसमें पीने का पानी गंदा आता था और कभी कभी तो आता ही नहीं था, वहाँ गंदगी फैली हुई थी। और बॉयज कॉमन रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी पीने के पानी के आसपास। इसके रिगार्डिंग में मैंने एप्लीकेशन बनाया और उस आवेदन को सारे छात्रों की सहमति से सिग्नेचर करवाया, सभी को पढ़वाया, उसके बाद सभी छात्रों ने सिग्नेचर किया। उसके बाद जब यह एप्लीकेशन प्राचार्य को दिया गया तो उन्होंने बिना किसी छानबीन के मेरे हाथ से एप्लीकेशन लिया और 5 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के क्लास में घुसे और बोले कि इसके रिगार्डिंग में किसने यह आवेदन दिया। जब यह बोले गए तो एक छात्रा खड़ी हुई और वह छात्रा बोली कि मैंने कहा था कि साफ सफाई के बारे में, तो वो उसका रोल नंबर नोट किए और नाम पूछे और बोले कि आज के बाद अगर किसी भी व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ हम आवेदन लेकर के यूनिवर्सिटी में कंप्लेन कर देंगे। और तो और उन्होंने आज क्लास ख़त्म होने के बाद पूरे क्लास में सबके सामने यह कहा कि कोई भी कॉलेज की व्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसको निष्कासित कर देंगे। भागलपुर लोहिया पुल के समीप रविवार को जदयू कला संस्कृति प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजीव सुमन ने की। इस दौरान अध्यक्ष संजीव सुमन ने प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए सुनील कुमार झा एवं माना शुक्ला को उपाध्यक्ष, अशोक मंडल, शशांक सिंह एवं अंजनी कुमारी को महासचिव एवं रूपेश कुमार शाह, रवि सिंह, जितेंद्र कुमार को सचिव के पद पर मनोनीत किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कला एवं कलाकारों के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष सुनील कुमार झा एवं धन्यवाद ज्ञापन माना शुक्ला ने किया। जिला कमेटी की बैठक आज जिला कमेटी टीम तैयार की जा रही है कला संस्कृति प्रकोष्ठ की, तो उसके लिए ही आज पहली बैठक है। और कला संस्कृति प्रकोष्ठ को से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को जोड़कर नीतीश कुमार जी के योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और इसमें कला संस्कृति प्रकोष्ठ है ये, तो जाहिर सी बात है हमारा पहला ये है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार को ही हम जवाबदेही दें, जिम्मेदारी दें, ताकि कला संस्कृति प्रकोष्ठ भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सबसे अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे। भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल में CCU सेवा की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को अस्पताल में हार्ट यूनिट का शुभारंभ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, दीपक सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर PV मिश्रा समेत कई शिक्षक और ग्लोकल अस्पताल से जुड़े लोगों ने किया। कार्डियक केयर यूनिट का उद्घाटन करने के बाद चिकित्सकों ने कहा कि हृदय रोगियों के लिए ग्लोकल अस्पताल में महानगर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। आज 26 जनवरी और रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे ग्लोकल हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में आज हम लोगों ने कार्डियक क्रिटिकल यूनिट का उद्घाटन किया है। इसमें शहर के बड़े डॉक्टर्स और प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रेजेंस में इस काम का शुभारंभ किया गया है। पूरा लक्ष्य इस हृदय के क्रिटिकल केयर यूनिट के शुभारंभ करने के पीछे ये है कि भागलपुर शहर में हृदय से संबंधित रोगियों के लिए एक विशेषज्ञ के छत्र छाया में स्पेशलाइज्ड कार्डियक सर्विस स्टार्ट की जा सके। ग्लोकल लगातार अपनी सेवा के माध्यम से लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा को सुगम बनाते आ रहा है। आज उसी कड़ी में CCU की स्थापना और आज उसका उद्घाटन
निश्चित रूप से भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हृदय से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए त्वरित निदान के लिए यह सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से सेवा दे रहे एवीसी प्लस टू स्कूल के निदेशक विनय कुमार इन दिनों छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कई योजना चला रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भागलपुर रेकाबगंज स्थित एवीसी पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सेंट पॉल स्कूल के दो छात्र आदित्य राज और मोहम्मद आतिफ को सम्मानित किया गया। साथ ही डायरेक्टर ने सेंट पॉल स्कूल के शिक्षक को भी पुरस्कार दिया। निदेशक विनय कुमार ने बताया कि पिछले दिनों अखबार की ओर से क्विज प्रतियोगिता पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें भागलपुर के दो छात्रों ने बाजी मारी। वहीं छात्रों की सफलता से प्रसन्न होकर स्कूल प्रबंधन ने कार्यक्रम आयोजित कर छात्र और शिक्षक को बधाई दी। मौके पर विकास, कृष्णा, सहजाद, अमरेंद्र कुमार, ललन कुमार, उमाशंकर, आशीष रंजन, नवनीत कुमार, प्रशांत समेत कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे। हम एबीसी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विनय कुमार, हम लोग एक योजना चलाए हुए हैं जिसके तहत माने भागलपुर के कुछ बच्चों को या जो भी मतलब यहाँ पर जो है कि कुछ प्रतिभा है उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बीच बीच में चलाते रहते हैं। तो उसी में से अभी हाल फिलहाल जो है प्रभात खबर के द्वारा जो आयोजित प्रोग्राम था क्विज प्रतियोगिता, उसमें से भागलपुर के सेंट पॉल स्कूल के दो बच्चे सीनियर ग्रुप में प्रथम पुरस्कार जीत कर आए हैं, प्लस उनके शिक्षक दोनों को जाकर के जो है कि हम लोग सम्मानित करने का व्यवस्था कर रहे हैं। भागलपुर नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरणमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा, सचिव उपेंद्र रजक, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत पांडे, शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य रंजीत कुमार एवं विद्या मंदिर के उप प्राचार्य अशोक मिश्र ने संयुक्त रूप से किया। प्राचार्य ने कहा कि गणतंत्र लंबी साधना का प्रतिफल है, कठिन परिश्रम के बाद ही संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। वहीं स्कूल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा देशभक्ति गीतों पर शानदार एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा समेत काफी संख्या में शिक्षक एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड बोड़ा पाठक पंचायत के रविडीहा गांव में सुखराज राय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार को माधवपुर बथानी एवं चाय टोला कैथपुरा के बीच खेला गया। चाय टोला कैथपुरा की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। माधवपुर बथानी की टीम ने 216 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी चाय टोला कैथपुरा की टीम ने 9 विकेट खोकर 101 रन ही बना पाई और चाय टोला कैथपुरा की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया। मैन ऑफ द मैच फाइक और मैन ऑफ द सीरीज मुसी बने। विजेता टीम को समाजसेवी पवन यादव ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, जबकि उप विजेता टीम को समाजसेवी अयोध्या शरण ने सम्मानित किया। मैच में उद्घोषक की भूमिका राकेश कुमार यादव एवं एम्पायर की भूमिका संतोष कुमार एवं राजीव कुमार ने निभाई। इससे पूर्व मैच का उद्घाटन अमडंडा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, मुखिया मंजर आलम, कैलाश प्रसाद सिंह, मोहम्मद सज्जाद, राजेश कुमार, जगदीश मंडल ने संयुक्त रूप से किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर नाथनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय मनोहरपुर मैदान में प्रशासन एकादश एवं जनप्रतिनिधि एकादश के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधि ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी जनप्रतिनिधि एकादश की टीम ने महज 156 रन ही बना सकी। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रशासन एकादश टीम के आज़ाद को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। विजेता टीम में वीडियो राकेश कुमार, सीओ राजेश कुमार, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मनीष कुमार, ललमटिया थानाध्यक्ष ओम प्रकाश एवं प्रभाकर थे। मैच में एम्पायर की भूमिका जितेंद्र मणि राकेश एवं अभय कुमार ने निभाई, जबकि कमेंट्री शैलेंद्र मणि संदेश एवं जितेंद्र कुमार जीतू ने की। वहीं विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज जनप्रतिनिधि बनाम प्रशासन के बीच एक दिवसीय मैच रखा गया था, क्रिकेट मैच रखा गया था। बहुत सुंदर खुशनुमा माहौल में और पूरे पंचायत और पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं
पूरे प्रखंड की जनता के बीच बहुत सुंदर तरीके से ये मैच संपन्न हुआ। मैच जीत और हार के मायने नहीं थे, ये सबसे बड़ी बात यह थी कि हम एक संदेश देना चाहते थे कि पूरे प्रखंड के प्रतिनिधि और प्रशासन जनता के बीच में है, जनता के सुख दुख में साथ है, गणतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है और हम सभी मिलकर के ही समाज का विकास करेंगे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पंचायत कृषि भवन का किया उद्घाटन, कहा किसानों की समस्या जल्द होगी दूर। दर्जनों की संख्या में बौद्ध भिक्षु पहुंचे विक्रमशिला महाविहार, इतिहासकार ने जिला प्रशासन से सुविधा बढ़ाने की मांग। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की हुई बैठक, विश्वविद्यालय के विकास और एकलव्य प्रतियोगिता पर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस पर वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन, डीएम ने वृद्धजनों के बीच बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कही बात। और कहलगांव के बुद्धूचक में चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ फाइनल मुकाबला, मौल टोला की टीम ने खिताब पर जमाया कब्जा। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।